स्टूडेंट्स, अगर हमें दो डिटरमिनेंट्स दे रखे हो आपस में इक्वल, तो कह दे कि एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे मैट्रिक्स में होता था हमारे पास एक्स वाई 3u 5v कुछ ऐसा दे दिया और इक्वल टू दे दिया 3 माइनस 5, ओके लेट यहाँ पे 12 दे दिया, यहाँ 30 दे दिया, तो हम लोग कैसे निकालते थे एक्स और वाई की वैल्यू? मैट्रिक्स के केस में कह रहा हूं, तो एक्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे, एक्स इजिकल टू कितना आ जाता था 3, वाई इजिकल टू कितना आ जाता था माइनस 5, इसी तरह 3u इजिकल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 12/3 मींस 4, और 5v इज इक्वल टू 30, तो इट मींस v इज इक्वल टू कितना आ गया 6, इस तरीके से निकालते थे। बट डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि इसको कंपेयर कर देंगे, इसको नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों साइड एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2x2, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इसकी -40 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 18 -7 to the -14, ओके 2x2, 40 को उधर ले चलते हैं भाई, प्लस का 40 हो गया, प्लस का 18 पहले ही था, माइनस माइनस प्लस का 14, ओके 2x2 इज इक्वल टू, हाँ जी 58 72, तो x2 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, स्क्वेयर उधर जाएगा रूट बन जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स प्लस माइनस 6 आ गई हमारे पास, कंपेयर करके नहीं निकलेगा, दोनों साइड एक्सपेंड करके ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।